अपनी रंगीनियों के लिए मशहूर अमेरिका का लास वेगास इन दोनों पानी पानी है। भारी पानी के चलते यहां पर भारी बरसात के चलते जो कारें हैं और ट्रक अंडरपास में फंस गए। हालात आप देखिए, भारी बारिश के बाद कैसा सैलाब यहां पर सड़कों पर बह रहा है। अमेरिका का दक्षिण पश्चिम इलाका एक बार फिर मानसूनी तूफान के कारण बाढ़ की चपेट में है। लॉस वेगास में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में कारें और ट्रक के अंडरपास में फंस गईं। दमकल कर्मियों ने वाहन चालकों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एरिजोना के अपाचे जंक्शन के फिनिक्स उपनगर में भी भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। बाढ़ के पानी में एक वाहन सड़क पर बहने लगा। लॉस वेगास फायर एंड रेस्क्यू ने तेज पानी से 7 लोगों की जिंदगियां बचाई। लॉस वेगास के मुख्य हवाई अड्डे ने मात्र 2 घंटे के भीतर 0.32 इंच बारिश होने की सूचना दी है। राष्ट्रीय मौसम सेवा कार्यालय के मुताबिक लास वेगास में आए तूफान के कारण 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। भारी बारिश के कारण सड़कों और फुटपाथों पर उग्र नदियों जैसा मंजर देखने को मिला। अमेरिका में और कई दिनों तक भारी बारिश और आंधी का पूर्वानुमान जताया गया है। दक्षिणी कोलोराडो और उत्तरी न्यू मैक्सिको में भी अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है।